नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका किसान साथी ओम पाटीदार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हैप्पी किसानी में। साथियों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अमरूद की खेती के बारे में। इसके लिए हमारे साथ हैं किसान जितेन जी पाटीदार। आइए उनसे बात करते हैं अमरूद की आधुनिक खेती के बारे में। स्वागत है जितेन जी पाटीदार। सबसे पहले जितेन भाई अपना परिचय दे दीजिए ताकि बाकी किसान साथी भी आपसे संपर्क कर सकें। ठीक, मैं जितेन पाटीदार गाँव धलपट तहसील सुवासरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9770269992। जी जितेन भाई, अभी हम देख रहे हैं कि आपने अमरूद की फसल लगा रखी है। आमतौर पर हमारे जो क्षेत्र है इसमें सोयाबीन उड़द जैसी पारंपरिक फसलें ही लगाई जाती है, संतरे की बुआई भी यहाँ होती है, लेकिन आपने अमरूद की फसल लगा रखी है, तो इसका क्या कारण है कि आपने अमरूद को चुना? सर, इसका दो कारण है कि जैसे कि मैं आम जो फसलें हैं उनसे मुनाफा नहीं मिल पा रहा था, उसकी समस्या से जूझ रहा था जी। और उसके अलावा मैंने पहले भी कुछ प्लांटेशन किया हुआ है। पहले 5 से 7 साल पहले मैंने एक बर्फ़खान करके वैरायटी आती है अपने यहाँ अमरूद की, वो वैरायटी लगाई हुई है, तो उसका भी काफ़ी अच्छा मुनाफा और लाभ मिल रहा है मेरे को। उसको देखते हुए मैंने आगे प्लांटेशन करने की प्लानिंग करी है। तो पहले जो आप पर वैरायटी थी वो बर्फ़खान थी, इस बार आपने कौन सी विशेष वैरायटी लगाई हुई है? सर, ये अभी मैंने ताइवान की एक किस्म लगाई हुई है, ताइवान पिंक करके जो वैरायटी आती है वो लगाई हुई है और इसका हाई डेंसिटी में प्लांटेशन किया हुआ है। ये वैरायटी बिल्कुल नई लग रही है सुनने में, क्योंकि इसका नाम पहली बार ही लगभग हमें सुनने को मिल रहा है। ये अपने मध्य प्रदेश में अभी करीबन एक साल ही हुआ है इसको आए हुए, एक साल ही हुआ है और यहाँ पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है और काफ़ी अच्छी प्लांट ग्रोथ भी आ रही है इसकी। तो ये जो आपने वैरायटी है इसको काफ़ी पास पास लगाए हुए हैं आपने पौधे, इसका क्या कारण है? सर, ये मैंने लगाया हुआ है 5x9 के डिस्टेंस पे जी, और इसका कारण ये है कि मैं इसको हाई डेंसिटी प्लांटेशन इजराइल टेक्निक के अकॉर्डिंग इसको पूरा प्लांटिंग कराया हुआ है जी। और उसी के अकॉर्डिंग इसको पूरा मेंटेन करेंगे हम, और उसका कैनोपी मैनेजमेंट वगैरह और कटिंग वगैरह का पूरा ध्यान रखेंगे और उसी टाइप से इसको मेंटेन किया जाएगा। तो जितेन भाई, हमें ये बताइए कि इसमें कितने समय में फ्रूटिंग आ जाती है और ये किस तरीके से किसान साथियों को मुनाफा दिला सकती है? सर, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि ये मात्र 6 महीने में भी इसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है, बट हम वो 6 महीने वाली फ्रूटिंग नहीं लेते हैं, 6 महीने साल भर की फ्रूटिंग नहीं लेते हैं, एक साल का भी हमारा ये 11 महीने का आप पीछे देख सकते हैं, 11 महीने का प्लांट हो चुका है। अभी हमारी इसमें जो कलियाँ आ रही है इसको हम लेंगे और 1.5 साल के करीब में हमारी फ्रूटिंग, फर्स्ट फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी जी। कहीं कहीं इसमें फ्रूट भी देखने को मिल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल जी। तो जो किसान साथी हैं हमारे, वो इसे कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इस वैरायटी? सर, ये मैंने पहले बेंगलोर से मंगवाई थी और अभी हम खुद भी इसका प्लांट अवेलेबल करवा रहे हैं यहाँ किसानों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस ओर आ सके और अमरूद की खेती में लाभ कमा सके। जिन किसान साथियों को भी ताइवान पिंक वैरायटी की आवश्यकता है वो भाई जितेन जी से संपर्क कर सकते हैं और अपने खेत में बागवानी फसलों को उगाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। धन्यवाद जितेन जी।